बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य को लेकर विभाग में कसावट लाने के लिए पिछले दिनों प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बस्तर दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज और महारानी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सहित प्रशासनिक अफसरों की बैठक ली और 3 महीने के भीतर ही मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करने का आदेश दिया है। वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री जायसवाल ने प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू के कहर को देखते हुए अस्पतालों में अलग वार्ड तैयार किए जाने की भी बात कही है। आज निरीक्षण के मुख्य रूप से जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी है उसको 3 महीने का हमने समय सीमा दिया है। 3 महीने में पूर्ण करके आम जनता को सुविधाओं हेतु समर्पित हो उसके लिए 10 करोड़ रुपए की और आवश्यकता थी, उसकी भी स्वीकृति दे दी है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में जो स्टाफ की कमी थी और हॉस्टल की कमी थी, बच्चों को रहने के लिए आवागमन के लिए दिक्कत था, उन सारी चीजों को ठीक करने हेतु आज कहा गया है। और डॉक्टरों की जो कमी है उसके लिए बस्तर के डॉक्टरों के लिए विशेष पैकेज के साथ यहाँ के डॉक्टरों को जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनको देंगे ताकि हमारे बस्तर क्षेत्र के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके। सर इसके अलावा देखिए, स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है जिसके आइडेंटिफाइड उसके कोई लक्षण ऐसे नहीं है कि उसको चिन्हित हो सके। उसके कई लक्षण हैं, बुखार है, दर्द है और अन्य लक्षण भी हैं। तो चूंकि उसका एक ही आइडेंटिफाई का तरीका है उसकी जांच करना, हम आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जांच कराएं। पूरे प्रदेश में हमारे सभी हॉस्पिटल्स में पर्याप्त किट है जांच करने के लिए, पर्याप्त दवाइयां हैं हॉस्पिटल में। सारे जगह हमने निर्देशित किया है कि आइसोलेशन वार्ड अलग से स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए रखें, सभी जगह व्यवस्थाएं हैं। और चूंकि ये बीमारियां हर साल आती हैं लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इन बीमारियों से निपटने के लिए तैयार है।